नमस्कार मित्रों, जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक बार सभी का स्वागत है। मैं आरडी मिश्रा मैथ की नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और आज की क्लास में देखिए तो आज हम लोग जो पिछले सेशन में छूटे हुए सवाल थे पाइप और टंकी, उनके क्वेश्चन को करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि एक विद्युत पंप एक टैंक में भर 3 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर 3 घंटे नहीं लिखा था, तो उसको 3 घंटे हमने एडिट किया है, वो एडिटिंग हो गया था, थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई थी। किंतु टैंक एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है, यह लीकेज पूरे टैंक भरे होने पर खाली करने में कितना समय लेगा? सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाइए फटाफट आइए, सभी को गुड मॉर्निंग। राकेश जी, पंकज जी, रोशन जी, सुनील जी, कृष्ण कुमार जी, गुरतेज जी, सभी को, देवेंद्र जी, सभी को एक बार सभी को सुप्रभात, नमस्कार। और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन मैथ का बिल्कुल दमदार सवालों के साथ। और बेटा अभी देखो, अभी ये जो पूरा आपका पूरा ये 10वें सवाल से ले रहे हो 15 सवाल तक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको कर लिए तो मतलब आप पानी टंकी में, पाइप टंकी में माहिर आदमी हो गए, आपको कोई फिर बीट नहीं कर सकता, ये गारंटी मेरी है। अगर ये 10-5 सवाल आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पाइप टंकी आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बेटा पीछे के 2 वीडियो में मैं पहले ही पाइप टंकी में काफी बातें कर चुका हूं। आज हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है। सामने क्वेश्चन है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। ध्यान दो बेटा, करना क्या है, करना है पंप किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल सिंपल, पंप किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, क्वेश्चन में लिखा था। किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। टैंक में एक लीक है, अगर टैंक में लीक ना होता, टैंक में छेद ना होता तो टैंक 3 घंटे में भर जाता, लेकिन टैंक में एक लीक है, यानी कि जब पंप और लीक दोनों एक्टिवेट हो, दोनों काम कर रहे हो, एक पानी भर रहा हो और एक पानी निकाल रहा हो, तो वह टैंक भरने में 3 नहीं बल्कि 4 घंटे का समय लेता। आपको ऑब्वियस समझना है कि अगर एक पाइप से पानी आ रहा है और एक लीक से पानी निकल रहा है तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में समय ज्यादा लगेगा। दोस्तों पहले की तुलना में समय ज्यादा लगेगा, अर्थात 3 घंटे की बजाय 4 घंटे लग जा रहे हैं, क्योंकि लीक है तो उससे पानी थोड़ा थोड़ा रिसाव करके निकल भी रहा है। दोस्तों अब पिछले सवालों को अगर बात करें या पीछे दिनों की बात करें तो हमने आपको बताया था सिंपल क्या करना चाहिए, हम लोगों को इन दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। जो आज मेरे पहले दोस्त आए हुए, पहले दिन पर आए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको सोचना है कि टंकी की धारिता ऐसी है जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, कोई एक ऐसी संख्या लो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 होगी, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 होगी। इसी को टंकी की धारिता मान लो कि पूरी टंकी 12 लीटर की है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, पूरी टंकी 12 लीटर की है, अगर 3 घंटे के हिसाब से भरे 12 लीटर की टंकी तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी आएगा। भाई 1 घंटे में 4 लीटर पानी आएगा तभी तो 3 घंटे में 4 तिया 12 लीटर भर जाएगा। और इससे बात कर जो 4 घंटे में भर रहा है उसमें 1 घंटे में 3 लीटर पानी आएगा। ध्यान समझिएगा इसको, अगर केवल पंप चले तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी आता है, अगर पंप के साथ लीक भी वर्क कर रहा हो, यानी पंप पानी दे रहा हो और लीक पानी निकाल रहा हो, तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीक अकेले 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, तो लीक अकेले 1 घंटे में 1 लीटर पानी, 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 4 लीटर आता था, 3 लीटर आ रहा है, इसका मतलब 1 लीटर निकल जा रहा है। किसके कारण निकल जा रहा है? वह लीक होने के कारण। और पूरी टंकी कितने लीटर की है? 12 लीटर की। अगर लीक अकेला 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकालता है तो वह समय बताइए जब वह लीक पूरी तरह से, वो जो लीकेज है वह पूरी तरह से टंकी को खाली कर दे, वह समय बताना है। तो 12 लीटर की टंकी 1 लीटर के हिसाब से पानी निकल रहा है, यानी कि 12 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। सबसे सही ऑप्शन आपका बी वाला बनेगा दोस्तों, बिल्कुल सरल सवाल हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ आ जाएगा।
एक बार सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी लोग आ गए हैं लाइव, बहुत अच्छा बात है। तो मैं फिर से पूरे क्वेश्चन सेटअप को आपको समझा दे रहा हूं, और मैंने बताया कि 15 सवाल तक दोस्तों एकदम धांसू क्वेश्चन है। अगर आपने 15 सवाल तक क्वेश्चन हल कर लिया तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन मतलब पानी टंकी जो पाइप टंकी वाला सेशन है वो पूरी तरह एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। एक बार देखते हैं, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है, ये 3 घंटे इसमें लिखने में एडिटिंग था, मैंने अपने से दिखाया इसको, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण, एक छेद होने के कारण वो टैंक भरने में 4 घंटे लेता है, मतलब 3 घंटे की जगह 4 घंटे ले रहा है। भाई छेद है, एक तरफ से पाइप पानी डाल रहा है, छेद से पानी निकल रहा है, इसलिए समय पहले की तुलना में ज्यादा होगा। अब कह रहा है कि यह लीकेज टैंक को पूरे पानी को भरे हुए पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी लीकेज अकेला कितने समय पूरी टंकी खाली कर देगा। तो पंप अकेला काम करे तो 3 घंटे में भरता है, पंप और लीक मिलकर काम करे तो 4 घंटे में भरता है। आपको क्या करना चाहिए, 3 और 4 से कटने वाली संख्या पूरी टंकी की धारिता मान लेना चाहिए। टंकी की धारिता है, पूरी टंकी की धारिता ऐसी माननी चाहिए जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए। 3 चौक 12 4 3 12 3 और 12 4 से कटने वाली संख्या 12 हो गई। 3 से 12 काटे तो 4 लीटर पानी हर घंटे आ रहा है, 4 से 12 काटे तो 3 लीटर पानी हर घंटे आ रहा है। ध्यान दो बेटा, अगर पंप अकेला काम करे तो 4 लीटर पानी आएगा, पंप और लीक काम करे तो 3 लीटर पानी आएगा, यानी लीक 1 लीटर पानी हर घंटे बाहर निकाल देता है, और केवल लीक चले तो 12 लीटर पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो 12 लीटर पानी खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, 12 घंटे। बहुत मोहब्बत के साथ आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। जय श्री राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैंने कहा कि सेशन बहुत दमदार है, बहुत दमदार प्रश्नों के साथ है मेरे दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 नल 1 हॉज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल, निकासी नल का मतलब एक ऐसा नल जैसे आप ऊपर टंकी के ऊपर लगा दिए तो टंकी को भर रहा है, और एक निकासी नल नीचे लगा दिए जिसको खोलने पर वह टंकी खाली कर देगा, 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। देखिए पहला नल ए है जो भरता है, इंक चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे चीजें स्पष्ट हो और अलग ना लगे। देखिए पहला नल ए है जो भरता है, ये भर रहा है बेटा, पानी को भर रहा है, कितने देर में भरता है, 3 घंटे में। दूसरा नल बी है, यह भी पानी को भरता है, कितनी देर में भरता है, 4 घंटे में। और तीसरा नल सी है, यह पानी को निकालता है, खाली करता है, और कितनी देर में खाली करता है, 2 घंटे में। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान। ए बी सी, अच्छा सर ये ए बी सी तो कहीं सवाल में दिया नहीं था, पहले नल को ए ले लो, दूसरे नल को बी ले लो, तीसरे नल को सी ले लो। ए बी सी 3 नल है, 1 3 घंटे में, 1 4 घंटे में और 1 2 घंटे में भर देता है। अब ये तीनों नलों का पहले आप एलसीएम ले लिया करो, यानी इन तीनों से कटने वाली एक संख्या, एक ऐसी संख्या सोचो दिमाग से जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे और 2 से भी कटे। 3 चौक 12 4 3 12 2 6 12, अर्थात पूरी टंकी मान लो 12 लीटर की, पूरी टंकी मान लो 12 लीटर की। अब अगर 3 से काटोगे तो यहां 4 आएगा, यानी नल ए जो है वह 4 लीटर पानी हर घंटे देता है। नल बी की बात करें तो नल बी 4 से काटेंगे अगर 12 को तो 4 3 12, यानी नल बी जो है वह 3 लीटर पानी, अच्छा ये देखो ये भर रहा है, ये भर रहा है, तो यह भी प्लस में होगा और यह भी प्लस में होगा क्योंकि पानी ये भर रहे हैं, और ये 2 घंटे वाला जो खाली कर रहा है तो ये 6 लीटर आ जाएगा। और चूंकि ये खाली कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए इसका काम ऋणात्मक होगा, माइनस वर्क होगा। अब टोटल कर लें, ये सम कर लें टोटल, ध्यान दीजिए पूरा सम कर लें तो 4 3 7 4 3 7 लीटर पानी आया और 6 लीटर पानी निकल गया क्योंकि तीनों चल रहे हैं, पहले वाले ने 4 लीटर दिया, दूसरे वाले ने 3 लीटर दिया, लेकिन जो निकासी था वो 6 लीटर निकाल दिया, यानी कि 1 घंटे में
एक ही लीटर पानी बचेगा। अब पूछा कि पूरे टंकी को भरने में, पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितने का हौज है पूरा, पूरा हौज है 12 लीटर का, 1 लीटर के हिसाब से हर घंटे भर रहा है हौज, यानी कि 12 घंटे का समय लग जाएगा दोस्तों। सही आंसर आपका 12 घंटे, यानी विकल्प डी आएगा। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही है 12 घंटे, 11 का डी, सभी का आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। गुरुतेज जी, अनमोल जी, चेस लवर जी, प्राची जी, गुरेज जी, पटेल मैना जी, आप सभी का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माया राम जी, आप सभी का आंसर एकदम सही है, आपने एकदम सही सवाल को लगाया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन डिटेल कर देता हूं। बिल्कुल सरल है, कह रहा है कि एक दो नल है जो क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। नल ए नल बी 3 घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है, और एक निकासी नल है उसे 2 घंटे में खाली कर देता है। नल सी है उसे निकालता है पानी कितने घंटे में, 2 घंटे में। एक ऐसी संख्या हो जो 3 से 4 से 2 से कट जाए तो वह संख्या होगी 12। 3 से 12 काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 12 काटोगे तो 3 बार जाएगा, और 2 से 12 काटोगे तो 6 बार जाएगा। जो पानी भर रहा हो वह प्लस में, जो पानी निकाल रहा हो वह माइनस में। 4, 3, 7 लीटर पानी भर रहा है, 6 लीटर पानी निकल रहा है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में वास्तव में 1 ही लीटर पानी भर रहा है। 7 लीटर पानी आया, 6 लीटर निकल गया, तो 1 ही लीटर तो बचा, तो 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, तो 12 लीटर पानी भरने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों। बिल्कुल मौखिक उत्तर दे सकते हैं कि 12 घंटे का समय लगेगा। एकदम सही आंसर जिन्होंने डी वाला विकल्प चुना है इस सवाल के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हौज में को ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और पूरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बस पिछले सवाल से मिलता जुलता क्वेश्चन, बस अंकीय भिन्नता है, अंकों की भिन्नता है। गुड मॉर्निंग गरीब आदमी जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को। सेहर्रा जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप फटाक से इस सवाल का आंसर बताइए। 12वां सवाल जो स्क्रीन पर लगा है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, फटाक से आंसर बताइए दोस्तों। तेजी के साथ उत्तर बताइए एकदम, बिल्कुल। मैंने पिछला सवाल बताया है तो आपको ये सवाल का आंसर आना चाहिए। मैंने पिछला सवाल अगर आपको कराया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। तेजी के साथ आंसर बताइए, बिल्कुल तेजी के साथ। सीताराम जी, पिछले सवाल में 12 घंटे आपका एकदम सही उत्तर आया था। क्वेश्चन है, किसी हौज को एक 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी 6 घंटे में भर सकता है पूरे नल को, और सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तेजी के साथ उत्तर बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग संतोष जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग हो चुका है और एकदम जाग गए हैं हम लोग, कोई भी सो नहीं रहा है, कोई भी सोएगा नहीं। चलिए फटाफट बताएं बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैं पिछला सवाल इसी तरह का हल कराया है, मुझे संख्या दिख रही है अच्छी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, एक नल ए है, ध्यान दो बेटा, एक नल ए है एक 4 घंटे में भरता है कितनी देर में, 4 घंटे में। एक नल बी है, बी भी उसे अकेले करे तो 6 घंटे में भर देता है। बी 6 घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है, और पूरे भरे हौज को नल सी अकेला 8 घंटे में खाली करता है। तो सी वाला जो नल है वह खाली करता है कितनी देर में, खाली करता है 8 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले एक ऐसी संख्या जो सोचो जो 6 से 4 से और 8 से कट जाए, 6 से भी कटे 4 से भी कटे 8 भी कटे, 8, 8 × 16 जो होगा वो 4 से तो कटेगा भाई, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। 8 × 24 6 × 24 4 × 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी है, 6 के पहाड़े में भी है, 8 के पहाड़े में भी है। इसे टंकी की धारिता,
यानी टंकी में आने वाला कुल पानी मान लेना चाहिए, टंकी का आयतन मान लेना चाहिए, 24 लीटर की टंकी है, चार घंटे में भरती है 24 लीटर टंकी, तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में 6 लीटर पानी देती है। भाई 4 से 24 काटे 6 आ गया, 6 से 24 काटे तो यहां पर 4 आ गया, अब यहां दोस्तों देखो 8 से 24 काटे तो यहां पर 3 आ गया, 3 आ गया। तो यहां अब आप देखिए क्वेश्चन को, 6 4 10 लीटर पानी आ रहा है और 3 लीटर पानी जा रहा है, ध्यान समझिएगा, 6 4 10 लीटर पानी आ रहा है और 3 लीटर पानी जा रहा है, यानी कि लगभग 7 लीटर पानी टंकी में भरा जा रहा है हर घंटे। बिल्कुल सिंपल है, 6 लीटर ए देता है, 4 लीटर बी देता है और 3 लीटर सी निकाल देता है, तो 6 4 10, 6 4 जोड़ना है और उसमें 3 घटा देना है, तो 7 लीटर पानी एक घंटे में टंकी में इकट्ठा हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि 24 लीटर की जो टंकी है उसे भरने में कितना समय लगेगा, तो लगने वाला समय हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, लगने वाला समय हो जाएगा, कितना समय लगेगा, 24 लीटर की टंकी है, 7 लीटर हर घंटे आ रहा है, तो 24 बटे 7 घंटे का समय लग जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 7 तरीक 21, 3 बटे 7 घंटे, ध्यान दो बच्चा, इसको घंटे, चूंकि सवाल घंटे में नहीं है, घंटे और मिनट में है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो सही वाला है ये पूर्ण घंटा है, यानी 3 घंटे, और इसे मिनट में बदल देंगे, इसे मिनट में बदलने के लिए घंटे को मिनट में, 3 बटे 7 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 बटे 7 मिनट, 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 घंटे और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 बचा 40, 7 बचे 35, तो लगभग ये लग जाएगा पूरी टंकी भरने में 3 घंटे 25 मिनट कुछ सेकंड लगेंगे, 3 घंटे अगर भिन्न में निकालोगे तो 3 घंटे 25 मिनट कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन 3 घंटे 25 मिनट का ऑप्शन नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 3 घंटे 26 मिनट, निकटतम उत्तर लेना पड़ता है, इसे 3 घंटे 26 मिनट आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है 24 बटे 7, सी वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, 24 बटे 7 सी वाले आंसर से नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, फिर से एक बार पूरे सवाल को समझिएगा बेटा, क्या करना है, समय लगेगा 24 बटे 7, ये लाइन जो है इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा, ये लाइन आपके समझने वाली है, पूरे टंकी कितने लीटर की है, 24 लीटर की, 7 बटे 7, 7 लीटर पानी आ रहा है, तो 7 तिरिक 21, 3 सही 3 बटे 7, 3 ये जो सही है ना, 3 जो ये सही है यह पूर्ण घंटे बन गए, यानी यह बन गए 3 घंटे, 3 जो यहां सही लिखा है यह पूरा बन गया 3 घंटे, और ये जो 3 बटे 7 घंटे थे, 3 बटे 7 घंटे थे बचा, तो इसको हमने बना दिया 3 बटे 7 गुणे 7 मिनट, और जब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 7 6 18, 180 बटे 7 आ जाएगा। अब यहां अगर तोड़े इसको तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 बचा 40 हुआ, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 बचा 50 हुआ, दशमलव लगाकर तो 7 लगभग 25.7 मिनट लगेंगे, और ये लगभग का जब भी मान आए तो हमेशा इतने के एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू हमारा देखेंगे तो किस विकल्प में है दोस्तों, बी विकल्प में है, इसीलिए मैं कह रहा था कि सवाल बहुत धांसु है, आगे आप ध्यान दें, 3 घंटे 26 मिनट एकदम सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आगे आप ध्यान दें, इसको बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसानी से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं, एक बार मैं कहोगे तो वीडियो को फिर से इसको पूरे सवाल को रिप्रेजेंट कर दूंगा एक बार फिर से आपके लिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एकदम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं सवाल को पूरी तरह से, ध्यान दो, एक हौज है जिसमें 4 घंटे में भरने वाला एक नल लगा है, बी नल है जो 6 घंटे में भरता है, और सी नल है जो 8 घंटे में खाली करता है,
तो 6, 4, 8 से कटने वाली संख्या 24 हो गई। 4 से काटे तो 6 बार, 6 से काटे तो 4 बार और 8 से काटे तो 3 बार। यानी कि टंकी में एक घंटे में 10 लीटर पानी आता है, 3 लीटर पानी जाता है, यानी एक घंटे में केवल 7 लीटर पानी बचता है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 24 लीटर की टंकी है, 7 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, तो 24/7 घंटे का यानी 3/7 घंटे का समय लगेगा। ये जो तो 3 था ये सीधा घंटे में बदल दिया 3 घंटे, और ये 3/7 घंटे को हमने मिनट में बदला तो 180/7 मिनट, ये लगभग 3 घंटे 25 मिनट है ना, 25.7 मिनट आएगा। लेकिन 25.7 मिनट को निकटतम मान हमने 26 मिनट के पास रख लिया, कोई दिक्कत? 25 मिनट अगर लिखेंगे तो 25 मिनट में 0.7 बच जाएगा, तो टंकी का कुछ भाग रह जाएगा भरने को, लेकिन 26 मिनट में एग्जैक्ट टंकी भर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ऑप्शन आपका बी हो रहा है, एकदम सही विकल्प आपका बी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप है। देखिएगा बेटा, दो पाइप लगी हुई है, पाइप ए और पाइप बी, दो पाइप है ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में ही भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा? फटाक से इसका आंसर दो, कैसे इसको किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, तब तक आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। आंसर दीजिए फटाक से इसका, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, तेजी के साथ इसका उत्तर दीजिएगा बच्चा। कितना ऐसा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। फटाक से आंसर दो बेटा। ए बी अलग अलग टंकी को 60 मिनट 75 मिनट भर सकते हैं, उस पर एक तली में छेद है जिसके कारण तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर सकती है। तो पूछ रहा है कि वो जो छेद है वो टंकी भरी होने पर कितनी देर में पूरी तरह खाली कर देगा? फटाक से बताओ बेटा, फटाक से बताओ। राम किशन जी फटाक से बताओ, कुंवर जी जल्दी बताइए, विकास प्रजापति अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फटाक से आंसर दो, कैसे दिया गया इसका आंसर? मैंने आपको तरीका समझाया, बस तरीके को अप्लाई करते चलिए। देखिए हमारे पास तीन टंकी है, तीन नल है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। अब क्वेश्चन में जो कहा है उसको समझे, कह रहा है कि ए अकेला 60 मिनट में भर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला 60 मिनट में भर सकता है, 60 मिनट में भरता है। बी अकेला 75 मिनट में भरता है, 75 मिनट में भरता है, ठीक है। ए अकेला काम करे तो 60 मिनट में काम करता है, बी अकेला काम करे तो 75 मिनट में काम करता है। और जब ए बी व सी तीनों काम करें तो टंकी 50 मिनट में ही भर जाती है, ध्यान दो बेटा। और जो यहां पर सी है ना, वह टंकी को भर नहीं रहा है, वह टंकी को खाली कर रहा है, इसके बाद ही 50 मिनट में टंकी भर जाती है। सबसे पहला और जरूरी काम जो आपको हम बार बार कहते हैं कि हमको इन तीनों का एलसीएम लेना चाहिए, ऐसी संख्या सोचो जो 60 से भी कट जाए, 75 से भी कट जाए और 50 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या होगी कितनी? 300। 300 एक ऐसी संख्या है जो 60 × 5 = 300, 75 × 4 = 300 और 50 × 6 = 300। पूरी टंकी मान लो 300 लीटर की है, पूरी टंकी मान लो 300 लीटर की है। अब बात करें कि नल एक कितना पानी देता है, नल एक कितने लीटर पानी देता है, तो 60 मिनट में, ध्यान रखना ये मिनट में दिया है, यानी हमारा आंसर भी मिनट में आएगा, आंसर भी हमारा मिनट में ही आएगा। ये 60 मिनट में पूरी टंकी भरता है 300 लीटर की, तो यानी हर मिनट 5 लीटर पानी दे रहा है, हर मिनट 5 लीटर पानी दे रहा है। यह 75 मिनट में 300 लीटर पानी देता है, यानी हर मिनट
4 लीटर पानी दे रहा है, हर मिनट 4 लीटर पानी दे रहा है। ये 50 मिनट में 300 लीटर पानी देता है, यानी हर मिनट 6 लीटर पानी दे रहा है, हर मिनट 6 लीटर पानी दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला काम करे तो कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखो दोस्तों, सी द्वारा 1 घंटे में या 1 मिनट में, चूंकि सवाल मिनट में है तो 1 मिनट में किया गया काम कितना होगा। देखो, ए अगर काम करे तो 5 लीटर पानी आएगा, बी अगर काम करे तो 4 लीटर पानी आएगा। ध्यान दो, अगर ए और बी चल रहा हो तो 5, 4, 9 लीटर पानी आएगा। ए अकेला भरे तो 5 लीटर भरेगा, बी अकेला भरे तो 4 लीटर भरेगा। समझ में आ रहा है बेटा? 5 लीटर ए अकेला भरेगा, बी अकेला भरेगा 4 लीटर भरेगा, ए भी दोनों भर रहे हो तो 9 लीटर भरेगा। 5, 1, 4, 1, 5, 4, 9 लीटर। लेकिन ए बी और सी भर रहे तो 5 की जगह 6 लीटर भर पा रहा है। ए और बी भर रहे हो तो 9 लीटर भरना चाहिए, लेकिन जब ए बी सी तीनों भर रहे हो तो 9 की जगह 6 लीटर ही पानी आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब है कि सी 3 लीटर पानी, पूरा 9 लीटर पानी आना चाहिए ए प्लस बी के काम से, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का काम देखें, ए प्लस बी प्लस सी का काम देखें तो 6 लीटर काम हो पा रहा है। यानी कि जो सी है वह 3 लीटर पानी हर घंटे निकाल देता है, हर मिनट में 3 लीटर पानी निकाल दे रहा, तभी तो 9 की जगह 6 लीटर भर पा रहा है। टोटल पानी हमारे पास कितना है? 300 लीटर। हर मिनट कितना निकाल रहा है? 3 लीटर। तो सी द्वारा खाली करने में लगा समय कितना होना चाहिए मेरे भाई लोग? सीधा आपको क्या करना है? पूरा 300/3 कर देना है, यानी कि 100 मिनट का समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा अगर कोई पूछे तो सिंपल है, कितना समय लगेगा? 100 मिनट का समय लगेगा। अब यहां सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? तो बी वाला आंसर सबसे बेस्ट होगा कि 100 मिनट का टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है गुरतीत जी ने, पटेल मैना जी ने, रामकिशन जी ने, प्राची जी ने, तारचंद ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही। तारचंद जी का एकदम सही आंसर आया है, बिल्कुल जी मोहनलाल जी, बिल्कुल सही आंसर आया है। अगर आपको ना समझ में आए बेटा तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ताकि आपके किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गणित एक तो कठिन है, गणित एक विषय वास्तव में कठिन है। देखिए, जीके जीएस में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, होता यह है कि आप कॉपी पेपर के बिना भी क्लास पढ़ते रहते हो, खाते हुए क्लास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। गणित की क्लास में ऐसा नहीं होता, आपको केंद्रित होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सवाल होंगे और उन सवालों पर थोड़ा सा कलम उठाना पड़ेगा। कलम ना भी उठाना पड़े तो दिमाग सोचना पड़ेगा, याद करने वाली स्मृति वाली चीजें नहीं रहती। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा गणित कठिन है, ऊपर से आपको अगर समझ ना आए तो और बुरा लग सकता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आपको पूरे सवाल का थीसिस एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। सिंपल, 2 नल है ए और बी, 60 मिनट में और 75 मिनट में भर देते हैं। अब कह रहा है तीसरा पाइप भी लगा है, और यह तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप भी लगा है, सी वाला मान लेते हैं, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है अगर तीनों चल रहे हो ए बी व सी। तो अब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो 50, 60 और 75 से कट जाए, वह संख्या होगी 300 लीटर। और यह जो 300 लिए है बेटा, यह पूरी टंकी की धारिता मान लो कि पूरी टंकी कितने लीटर की है? 300 लीटर की है। अब 60 मिनट में 300 लीटर तो 1 मिनट में 5 लीटर, 60 से 300 का भाग दे दिए। 75 मिनट में 300 लीटर तो 1 मिनट में 4 लीटर, और अगर 50 मिनट में 300 लीटर तो 1 मिनट में 6 लीटर। अब देखो, अगर ए अकेला काम करे तो ए हमारा 5 लीटर पानी देता है, बी अकेला काम करे तो बी हमारा 4 लीटर पानी देता है,
अब अगर मैं पूछूं कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो 5, 4, 9 लीटर पानी देंगे, पानी भरेंगे, लेकिन जब सी चलना चालू किया तो 9 लीटर की जगह 6 लीटर पानी भर पाया। इसका मतलब भरना चाहिए था 9 लीटर, भर पा रहा है 6 लीटर, यानी कि जो 3 लीटर निकल रहा है वह कौन निकाल रहा है? वह सी निकाल रहा है और कोई नहीं निकाल रहा है। और 300 लीटर कितनी देर में निकाल देगा? 1 मिनट में। जब 3 लीटर निकाल रहा है तो 100 मिनट में निकाल देगा 300 लीटर पानी। कौन निकालेगा? सी निकालेगा। बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैसे किया गया इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, ध्यान दीजिएगा, एक नल अकेला चले पूरी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। जब टंकी आधी भर जाती है, अगर वह नल 6 घंटे में पूरी एक टंकी भरता है तो आधी टंकी भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटे में पूरी टंकी भरता है तो आधी टंकी भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब एक नल तो पहले से चल रहा था, 3 नल और खुल गए, तो 1 और 3 मिलकर कुल कितने नल खुल गए हैं? 4 नलों को खुल गए हैं। तो 4 नल खुलने के बाद टंकी पूरा भरने में कुल समय कितना लगा होगा? सबसे पहली बात कि आधी टंकी भरने में एक नल द्वारा 3 घंटे का समय लगेगा। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है कि पूरी टंकी भरने में 6 घंटे का समय लगता है। तो आधी टंकी भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। अब एक सूत्र हमने दिया था, M1D1 upon W1 = M2D2 upon W2। यह फार्मूला है, काम समय में बताया था। काम समय नल पाइप लगभग जैसे एक जैसे सिमिलर चैप्टर है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यमुन का मतलब पहली बार लगे नलों की संख्या, D1 का या T1 का मतलब पहली बार लगा समय, W1 का मतलब पहली बार भरी गई टंकी का भार, M2 का मतलब दूसरी बार लगे नलों की संख्या, D2 या T2 लिखा उसका मतलब लगने वाला समय, और W2 लिखा है इसका मतलब दूसरी बार होने वाला काम। तो ध्यान दो बेटा, यहां समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नल 6 घंटे में भरता है एक टंकी। हमसे कहा गया 3 और नल खोल दिए गए, यानी 4 नल खोल दिए गए। ध्यान देना, 3 और नल खोल दिए गए यानी 4 नल, एक नल तो पहले से चल रहा था, 3 और खोल दिए गए, तो 1 और 3 मिलाकर 4 नल खोल दिए गए। और कितनी देर में, कितने समय में भरे गया आधी टंकी? आधी टंकी का मतलब 1/2। अब इस दोनों का मान आपस में समीकरण कारण बराबर किए, अब यहां पर देखिए 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 4 × 8 हो जाएगा। सिंपल, 4 × 8 हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा, तो लगने वाला जो टाइम होगा वह हो जाएगा 6/8। इसको सरल करेंगे बेटा, 4 × 8 8/2 आएगा, तो 6/8 घंटे लगेंगे। 6/8 घंटे का मतलब हुआ, इसको काट सकते हैं तो ये 3/4 और घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे। 4 से 7 काटे तो 15 और 15 × 3 45 मिनट का समय और लगेगा आधी टंकी को भरने में। अब देखो यहां समझ लो क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था
कि टंकी को पूरा भरने में कुल के समय कितना लगे, कुल समय पूछा था हमसे, तो टंकी को आधा भरने में कितने घंटे का समय लगा है, 3 घंटे का। बची आधी टंकी को भरने में कितना समय लगा है, 45 मिनट का। तो कुल समय कितना लग जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट का। पूरा समय कितना लग जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट। बिल्कुल सही उत्तर दिया है मायाराम जी ने, आपने सी का बिल्कुल सही उत्तर है, गुरुदेव जी का, ताराचंद जी का, मायाराम जी का, प्राची जी आप गड़बड़ दे दिए हैं, 45 मिनट पूरी टंकी को भरने में नहीं लगेगा, पूरी टंकी को भरने में कुल 45 मिनट का समय लगेगा, कुल समय पूछा यहाँ। शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह नहीं पूछा, ध्यान रखना दिमाग से ये बात एकदम ध्यान रखें। शेष टंकी को भरने में समय पूछा होता तो शेष टंकी यानी आधी टंकी को भरने में 45 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमसे पूछा पूरी टंकी को कुल भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरी टंकी को कुल भरने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगने वाला है। सिंपल है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं पूरे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अगर 6 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है तो आधी टंकी भरने में 3 घंटे का समय लेगा, चौथाई टंकी भरने में 1.5 घंटे का समय लेगा, आधा कर दिए टाइम को, आधा कर दिए काम को, आधा कर दिए समय को, आधा कर दिए काम को। एक टंकी 6 घंटे में, तो आधी टंकी 6 का आधा घंटा, 3 घंटे में आधी टंकी भर जाएगी। अब कह रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, जो कि 3 घंटे में भर जाती है, तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। जिस समय टंकी आधी भर गई उसी समय इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो टंकी आधा भरने में कितना समय लग गया था, 3 घंटे लग गया था। बाकी हमने सूत्र बताया, M1D1/W1, M2D2/W2, पहली बार लगे नल, पहली बार लगा समय बटे पहली बार भरी टंकी, बराबर दूसरी बार लगे नल, दूसरी बार लगा समय बटे दूसरी बार भरी हुई टंकी। तो पहली बार एक नल लगा था, कितने घंटे में, 6 घंटे में, कितना भरता था, एक टंकी भरता था। दूसरी बार 4 नल लगे, कितने समय में, यही निकालना है, आधी टंकी यानी आधी का मतलब होता है 1/2, 1/2, 1 का 2 भाग। तो यहां से 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 4 × 2 = 8, और 8 का गुणा 6 में हो जाएगा, तो 6/8, 6/8 घंटे का मतलब हुआ 3/4 घंटे, और 3/4 को ये देखो 2 से कट जाएंगे ना दोनों, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 4 से 60 = 15, 15 = 45 मिनट का और समय लगेगा 3 घंटे के बाद। यानी पूरा समय अगर बोले तो 3 घंटे 45 मिनट का पूरा टाइम लगेगा उस पूरी टंकी को भरने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एकदम समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हो चुका है हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15वां है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सोचिए। अब इसकी बार, अब की बार हम लोगों ने 4 नलों का प्रयोग किया है, 2 नल हो गए, 3 नल हो गए, अब की बार हम 4 नलों का प्रयोग कर रहे हैं, 3 से भरवा रहे हैं और 1 से खाली कर रहे हैं। सवाल पढ़िए, देखिए, 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप, निर्गम पाइप मतलब निकालने वाला पाइप, पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, पूरी टंकी को। आप आगे बने रहिए, कल का एक धांसू क्वेश्चन है, वो होमवर्क में मैं दिया हूं, उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन अगर आपको आ गया हो तो जरूर उसका कमेंट लिख दीजिएगा, HW ऐसे लिखिएगा कि HW, और आंसर लिख दीजिएगा कि आंसर क्या था, HW आंसर, मैं आपका नाम पढ़ लूंगा, HW और आंसर लिखना है। कल वाले क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, जो मेरे भाई कल थे, वो जरूर लिखेंगे, मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन भी यहां पर कराऊंगा। तो देखते हैं, 3 पाइप है, टंक को पृथक क्रमशः 10 घंटे 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। एक चौथा पाइप है जो 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा था, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। अब की बार 3 नहीं, हमने 4 नलों का समावेशन किया है, हमने 3 नहीं 4 नलों को बुला रखा है। कौन कौन से 4 नल है हमारा, 1 नल है ए, 1 नल है बी, 1 नल है सी और 1 नल है डी।
ए हमारा भत्ता है, बी हमारा भत्ता है, सी हमारा भत्ता है और डी हमारा खाली करता है। मतलब डी का काम माइनस होगा, बाकी ए बी सी का काम प्लस होगा। कितनी देर में भरता है इसको लिख लीजिए सबका। जैसे ए कितनी देर में भरता है, ए 10 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में और सी 15 मिनट में भरता है, सॉरी 30 मिनट में भरता है। तो ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में और सी 30 मिनट में भरता है और जो डी है वह 15 मिनट में खाली कर देता है। सिंपल दोस्तों, मैंने बार बार बताया है कि ऐसे प्रश्नों में टंकी की धारिता, इनसे कटने वाली एक संख्या ले लो, एक ऐसी संख्या ले लो जो कि 10 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 15 से भी कटे, पर 30 दूना 60, 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यानी पूरी टंकी मान लिया करो 60 लीटर की पूरी टंकी है। पूरी टंकी कितने की है, 60 लीटर की है। 10 से काटोगे तो 6 लीटर पानी भरेगा, 10 से काटोगे तो 6 लीटर, 10 काटे तो 6 लीटर पानी भर रहा है एक मिनट में। 20 से काटे तो 20 से काटने पर आएगा बेटा कि 20 दिया 60 यानी 3 लीटर पानी भर रहा है। 30 से काटे तो 30 दुना 60 यानी कि 2 लीटर पानी भर रहा है। देखिए ध्यान समझिए, ए एक घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, बी 3 लीटर पानी भर रहा है, सी 2 लीटर पानी भर रहा है और 15 से जब 60 काटे तो 15 चौका 60, तो डी का जो काम है वो भरने का नहीं है, वह खाली करने का काम है और जब खाली करेगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस 4 लीटर। और सिंपल आपको करना क्या है दोस्तों, इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी का योग निकाल देना है। 6 3 9, 9 2 11, 11 में से 4 गया तो यह 7 लीटर पानी भर पाएगा एक घंटे में। 7 लीटर पानी एक घंटे में भर पाएगा। पूरा हमें कितना पानी भरना है टंकी में, 60 लीटर, तो लगने वाला समय हो जाएगा 60/7, 7/56, 4/7 मिनट का समय लगेगा। यही हमारा सबसे परफेक्ट और सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्या ऐसा कोई विकल्प है। अगर देखे तो यहाँ पर बी विकल्प ठीक यही विकल्प था हमारा, बी वाला विकल्प। फिर देखिए पूरे सवाल को हम एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा बी, 15 का बी बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। मेरे ख्याल से लगभग सबका, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत हो गया हो, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, हर एक बंदा सही उत्तर दिया है। चलो देखते हैं एक बार सवाल को, मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं दोबारा सवाल को रिपीट कर देता हूं तेजी के साथ ताकि सबको समझ में आ जाए। ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसे 20 मिनट में भर सकता है, सी उसे 30 मिनट में भर सकता है, डी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। एक ऐसी संख्या लो जो 10 से 20 से 30 से 15 से कट जाए, ऐसी संख्या हमारी हो गई 60। 10 से 60 काटे तो 6 बार गया, 20 से 60 काटे तो 3 बार गया, 30 से 60 काटे तो 2 बार गया और 15 से 60 काटे तो 4 बार गया। जो टंकी को भर रहे थे उनका काम प्लस में और जो टंकी को खाली कर रहा था उसका काम माइनस में। 6 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 6, 3, 9, 2, 11 लीटर पानी भर रहा है और 4 लीटर पानी निकल रहा है, 11 लीटर आ रहा है, 4 लीटर जा रहा है, यानी टंकी में ठहर कितना रहा है, एक घंटे में 7 लीटर पानी। टंकी है कितने लीटर की, 60 लीटर की टंकी है। टंकी है कितने लीटर की, 60 लीटर टंकी है। 7 लीटर पानी एक घंटे में दे रहा है तो लगने वाला समय, या एक मिनट में दे रहा है तो लगने वाला समय 60/7, 7/8, 56, 4/7 मिनट का समय लग जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन को देखते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। एक लोगों ने लिखा है एलसीएम, बिल्कुल सही है, एलसीएम लेना है, बिल्कुल सही उत्तर आपने कह रहे हैं। कल वाले होमवर्क देखते हैं बेटा, कल का होमवर्क हमने क्या दिया था आपको और कैसे करना था। कल ये सब क्वेश्चन सेटअप मैंने कराया था, आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन, खतरनाक खतरनाक सवाल
और मैंने आपसे ये भी कहा था कि पानी टंकी लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। बेटा आप पूरे सवाल अपने किसी भी किताब से लगाओगे, पानी टंकी में अब आप फंसोगे नहीं। अगर आपने पूरा सेशन देखा है पानी टंकी का, तो ये गारंटी देता हूं एक टॉपिक पर मैं पूरे क्वेश्चन को हल करा दिया हूं, पूरे कंसेप्ट को, केवल एक कंसेप्ट को लेकर हल करा दिया है, पूरे सवाल को एक कंसेप्ट लेकर हल करा दिया है। कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने आपको होमवर्क दिया था बेटा, ये रहा होमवर्क हमारा, ये रहा होमवर्क हमारा। कल का होमवर्क है दो नल ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए गए हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? आंसर था 12 घंटे, 13 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। फटाक से इसका आंसर बता बेटा, होमवर्क का किसका आंसर आ गया है? सर पीडीएफ मिलेगी क्या? मोहनलाल जी, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम का नंबर मैं यहां दे दे रहा हूं बेटा, टेलीग्राम नंबर 81 71 111 832, ये मेरे टेलीग्राम का जीके राजस्थान अपना जो चैनल है जीके राजस्थान के टेलीग्राम नंबर है बेटा, टेलीग्राम नंबर है। और इस नंबर पे आप संपर्क करके जीके राजस्थान में चलने वाले सभी, जीके राजस्थान में चलने वाले सभी चीजों का पीडीएफ ले सकते हैं। 81 71 811 832, 81 71 811 832 इस नंबर पर आप चाहे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं बेटा, और चाहे तो आप व्हाट्सएप से मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। हर क्लास में बताया जाता है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ को आपको टेंशन नहीं लेना है, हर चीज का पीडीएफ यहाँ बना बनाया है, आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, वीडियो देखकर सीख सकते हैं चीजों को। तो पीडीएफ उपलब्ध है भाई, मेरे भाई अब कोई पीडीएफ के बारे में पूछे तो आप बताएंगे, मुझे बताना नहीं पड़े। 81 71 111 832 आप कमेंट बता देंगे कि भैया इस पर आप फोन कर दीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पर आप टेलीग्राम कर दीजिए और आप पीडीएफ ले लीजिए, आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ, 81 71 111 832, बिल्कुल सरल नंबर है, अपने दोस्तों को भी बांट दो, सब लोग ले सकते हैं, पूरी खुली छूट है और पूरा निःशुल्क व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी जान लीजिए क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में, इतनी चीजों को इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए निःशुल्क, बस आपसे अपेक्षा केवल इतनी है कि आप भीड़ में आइए, गैदरिंग में आइए बस, और मैटर देंगे, बहुत मजा आएगा अभी तो। चलो भाई इस सवाल पे बात करते हैं, ए बी सी टंकी को 15 घंटे व 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने देर भरेगी? कल मैंने ये होमवर्क दिया था, कल मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क का एक लोगों का आंसर आया है गुजरात जी का 13 आवर, गुरतेज जी का 13 घंटे उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया गुरतेज जी। और किसी का आंसर बेटा, और किसी का आंसर आया, गुरतेज जी का आंसर 13 घंटे यानी बी विकल्प वो लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तीन नल है हमारे पास ए बी सी, देखो तीन नल है ए बी सी, ए कितनी देर में भरता है 15 घंटे में, बी कितनी देर में भरता है 20 घंटे में, सी कितनी देर में खाली करता है, देखो सी के बारे में ध्यान रखना, ये भरता है, ये भरता है और ये खाली करता है, ये भर नहीं रहा, ये खाली कर रहा है, तो खाली कितनी देर में करता है 25 घंटे में। सिंपल मेरे भाई, अभी तक जैसे सवाल हल कर रहे थे वैसे ही करना है आपको, क्या लेना है इनका एलसीएम लेना है, एक ऐसी संख्या सोचा है जो 15 के पहाड़े में भी हो, 20 के पहाड़े में भी हो, 25 के पहाड़े में, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 25 से भी कटे, तो ऐसी संख्या होगी 300। एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो, 300 लीटर की पूरी टंकी हो गई, इसीलिए होमवर्क दिए थे एलसीएम ताकि आप निकालते सीखते कुछ। अब 15 से 300 काटोगे, ध्यान देना 15 से 300 काटोगे तो यह पानी देगा, कितना पानी देगा 20 लीटर पानी देगा, 15 दूना 30 20 लीटर पानी हर घंटे देगा। 20 से 30 काटोगे, 20 से 300 को काट दीजिए तो यह पानी आ जाएगा 15 लीटर पानी आ जाएगा,
ध्यान रखना यह 15 लीटर पानी देगा। अब 25 से अगर हम काटें तो 25 बरहमे 300 तो यह 12 लीटर पानी निकालेगा, यह 12 लीटर पानी निकालेगा। हमसे कहा गया कि प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाता है, शुरू में 20 लीटर एक नल दे रहा है, 15 लीटर एक नल दे रहा है और 12 लीटर एक नल निकाल रहा है और तीन के तीनों नलों को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर देना है। 10 घंटे तक यह तीनों नल चले हैं, 300 लीटर की टंकी है, पूरी टंकी 300 लीटर की है, 10 घंटे तक यह तीनों नल चले हैं मेरे भाई, तो यह 10 घंटे में पानी दे देंगे 20 15 35 लीटर पानी आएगा हर घंटे, 12 लीटर पानी जाएगा हर घंटे, यानी कि यह हर घंटे 23 लीटर पानी देंगे। चूंकि 10 घंटे पर चले तो एक घंटे में 23 लीटर पानी देंगे, एक घंटे में 23 लीटर पानी देंगे, तो चूंकि हर घंटे 23 लीटर पानी देंगे तो 10 घंटे तक चले हैं तो 10 का गुणा करोगे यानी पूरे टंकी में 230 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा, पूरी टंकी में 230 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। पूरी टंकी देखो मेरे भाई 300 लीटर की है जिसमें से 230 लीटर पानी तीनों नल जब चल रहे थे 10 घंटे तक तब भर गया था। कितना पानी बचा, कितना पानी और भर दें पूरी टंकी भर जाएगी, 300 लीटर की टंकी है 230 लीटर उसमें पानी आ चुका है, कितना और पानी चाहिए, और हमें पानी चाहिए 70 लीटर, और हमें पानी चाहिए, ध्यान दो मेरे भाई, और हमें पानी चाहिए 70 लीटर, 70 लीटर हमें पानी चाहिए, और कितना पानी चाहिए तो और हमें पानी चाहिए 70 लीटर। और 70 लीटर पानी, ध्यान देना 70 लीटर पानी, चूंकि सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया यानी 10 घंटे बाद केवल और केवल ए और बी चल रहे थे, एक 25 लीटर एक 15 लीटर, 20 और 15 मिलाए तो 35 लीटर पानी आ रहा था, 35 से 70 काटे तो यानी 2 घंटे का और समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल मेरे भाई, 10 घंटे पहले तीनों नल चले थे, 2 घंटे का और समय लग गया तो 10 2 12 घंटे का समय लगेगा। सबसे सही उत्तर होगा होमवर्क का 10+2 10+2 12 घंटे का समय लगेगा, ए वाला ऑप्शन गुरतेज जी का सही हो गया, बिल्कुल सही है। मोहनलाल जी 12 घंटे करिए, प्रिंस मीना जी गलत हो गया आपका, शीतल भट्ट जी एकदम सही उत्तर आपने दिया है, ठीक है सही है। देखो बेटा गलत होने से बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरिए गलत होने से, गलत और सही दो ही चीज हो सकते हैं, तीसरा कोई चीज होगा नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं होगा। तो आंसर जरूर दिया करो, कोशिश जरूर किया करो। तो धन्यवाद सभी का जिन्होंने होमवर्क किया था, जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया था, उनको सभी को धन्यवाद। आज मैं आपको एक सवाल के साथ और छोड़ता हूं दोस्तों, ताकि कल मैं इस पर बात चालू कर सकूं। तो आज का सवाल है आपके स्क्रीन पर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीन पाइप है ए बी सी, एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे 7 चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी बाद के 7 घंटों में पूरा भर देते हैं हौज को, तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। ऑप्शन है 12 घंटा 10 घंटा 14 घंटा 16 घंटा। बेटा इसको घर पे आप हल करने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, चीजों को समझाऊंगा। नल टंकी में मेरे ख्याल से अगर आप पीछे से सबको देखे होंगे पूरा नल टंकी शुरू से, तो अगर आप किसी भी किताब से सवाल लगाए आपका एक भी सवाल इतर नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी सवाल इधर उधर नहीं जाएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने बताया कि हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, 81 71 832 इस पर जुड़िए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल, आज अभी इतर